हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं सुनीता विजन थिंक ग्लोबल इंडिया। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट पोटैटो का पराठा। अक्सर हम सभी लोगों ने स्वीट पोटैटो को उपवास में या व्रत में खाया है, तो आज हम इसका पराठा ज़रूर बनाएंगे। और ये खाने में बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी है, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं आप। इसे लंबे सफ़र में भी पैक करके लेके जा सकते हैं। ये पराठे 2 दिन तक फ्रेश रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप चाहे तो शकरकंद के पराठे बोल सकते हैं या स्वीट पोटैटो के पराठे बोल सकते हैं। चलिए, हमने ले लिया है 1/2 किलो स्वीट पोटैटो। इसको अच्छे से हम धो लेंगे एक पतीले में अच्छे से पानी डाल के, ताकि इसके जो डस्ट है, मैल है, वो निकल जाए। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से मैं पानी में 15 मिनट तक रख दूँगी। जब इसकी मिट्टी अलग से फूल जाएगी, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो भी इसमें मतलब डस्ट लगा हुआ अगर नहीं निकलता है, तो इसको हम नाइफ़ की मदद से निकालेंगे और इसके हाथ से अच्छे से मल मल के इसके डस्ट को निकाल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने पानी डाल के अच्छे से क्लीन करने के लिए रेडी कर दिया है। अब इसको हम नाइफ़ की मदद से जो खराब पार्ट्स है वो काट लेंगे, और जो डस्ट है जो नहीं निकल रहे हैं, उसको हम अच्छे से नाइफ़ की मदद से निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है। इसको 2 वाटर से हम अच्छे से रगड़ के वापस से क्लीन करके दोबारा साफ़ पानी में इसको उबलने के लिए हम लोग रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा है, तो हमने दूसरा पानी भी ले लिया क्लीन करने के लिए आफ्टर। हमने एक पतीले में साफ पानी लिया है, उस पतीले में हम सारे स्वीट पोटैटो को डाल देंगे। जो साइज़ हमको ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, उनके 2 पार्ट्स कर देंगे और उनमें चाकू की मदद से थोड़ा थोड़ा छेद कट लगा देंगे, या फिर या फॉक से आप छेद कर सकते हैं। और इनमें हल्का सा सॉल्ट डाल के इसको उबलने के लिए हम रख देते हैं। उबलते समय हम लोग इसको बीच बीच में चेक करेंगे और इसे हम कवर कर देते हैं। तो हम आप ये देख सकते हैं अच्छे से उबल रहे हैं। इसको हम नाइफ़ की मदद से चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी टाइम लग रहा है इसको अच्छे तरीके से उबला नहीं है। इसको हम फिर कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, वो कुछ मिनट्स में ही उबल जाते हैं। अगर आप पतीले में उबालते हैं, इसमें नमक डाल के ज़रूर आप उबालें, उससे थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम वापस से चेक कर लेते हैं। कवर हटा दिया है, तो नाइफ़ की मदद से हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा नाइफ़ पूरा अंदर तक जा रहा है, मतलब हमारा स्वीट पोटैटो अच्छी तरीके से कुक हो गया है। इसको अब हम अलग कर लेंगे। सारे हमने चेक कर लिए हैं स्वीट पोटैटो। हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली, गार्लिक और जिंजर। पोटैटो का छिलका हमने अच्छे तरीके से निकाल दिया है, पोटैटो के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप 1/2 किलो के ही पराठे बनाएं स्वीट पोटैटो लेके, आप 3-2 पीस लेके भी बना सकते हैं, जो 250 ग्राम हो या 100 ग्राम हो। अब हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और इनको हाथ की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अगर आप नमक कम खाना पसंद करते कम डालिए। अगर इसको स्वीट मतलब मीठा बनाना चाहते हैं, तो मीठा, शक्कर या गुड़ आप जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं। और उसमें हमने 1/2 चम्मच से कम हल्दी डाला है और इसको अच्छे से हमने हाथ से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ हमने छोटा सा बॉल लिया है आटे का, उसको आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल कर करके हमने स्वीट पोटैटो का फिलिंग इसके अंदर डाल देंगे चम्मच की मदद से। अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो पराठा बनेगा नहीं और पराठा ख़राब हो जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हथेली की मदद से और उंगलियों की मदद से लोई को फोल्ड करते हुए जाएंगे, जिससे एक अच्छा सा कैप जैसा बन जाए और इसके अंदर फिलिंग अच्छे से कवर हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आटे में स्वीट पोटैटो को मल लीजिए, अच्छे से गूंथ लीजिए, ताकि वो आटे के साथ मिक्स हो जाए, और उसका सिंपली आप एक चपाती की तरह या पराठे की तरह बना के भी खा सकते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा लगा के बेलेंगे। आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है ना, कि हाथ की हथेली के सहायते से इसको छोटा प्रॉपर बनाया जाता है,
मेरी जो दादी हैं नानी हैं वो ऐसा बनाती, मम्मी भी मेरी अभी भी ऐसा बनाती है, पर मैं बेलन का यूज़ करती हूँ। एक्चुअली वो विंटर टाइम पे चूल्हे पे बनाती हैं तो बहुत ही अच्छा बन के, एक मतलब विलेज का जो फूड होता है ना, खाने का टेस्ट एक अलग ही आता है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आप कभी गांव जाते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं, तो आप वहां पे देखिएगा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हथेली की मदद से ही ये सब चीज़ें बनाते हैं, जो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारा ये पराठा बनके रेडी हो गया है, इसे हम तवे पर डाल देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसे हम पलट देते हैं, एक साइड से सिक गई है, हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं पराठा। आप देख सकते हैं इसको मैंने ज़्यादा पतला बनाया ना ज़्यादा मोटा बनाया है, और दूसरे साइड से भी सिक रहा है। इसको आप चाहे तो बटर की मदद से या घी की मदद से या फिर रिफाइंड ऑयल अगर आप खाना चाहते हैं उससे अच्छे से तेल ग्रीस कर लीजिए। दोनों तरफ से हम लगा लेंगे ऑयल या घी। आप देख सकते हैं एक तरफ कितना अच्छा सिक गया है, सेकंड साइड भी अच्छे से सिक जाएगा। देख सकते हैं अभी फूल भी रहा है आराम आराम से। गाइस तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से बनाने के लिए। अगर आपने कभी बनाया नहीं है, अगर आप चाहते हैं खट्टा मीठा खाना तो आप खट्टा मीठा भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप सॉल्टी चाहते हैं बना सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गया है हमारा पराठा, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक गया है। तो इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। सेकंड भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए हमारा सेकंड टाइम भी सिक गया अच्छे से, वाओ। इस पे हम घी लगा लेंगे। इस तरफ भी हम घी लगा लेंगे। देखिए इतने अच्छे तरीके से फूला हुआ है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। इस तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। हमारे सारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। आप इसे चाहे तो ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर लंच में, डिनर में, आप कभी भी बना के खा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए भी। और अगर आप कभी जैसे मीठा खाना नहीं पसंद करते, आप इस तरीके से पराठा बना के ज़रूर खा सकते हैं। अपने फ्रेंड और फैमिली साथ भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर ज़रूर बने रहें प्लीज़। आप अगर नए हैं तो भी चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।